नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। साने मॉडल टाउन के ऊपर बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कांटेक्ट करने की आज बहुत ज्यादा कोशिश की गई मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, लेकिन बेशतर सियासतदान जो कि इस केस से बराह रास्त ताल्लुक रखते थे वो लाहौर में इस वक्त मौजूद नहीं है और बहुत से सियासतदान इस इशू पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर रोजनामा दुनिया न्यूज है, इसके अलावा हेड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स दुनिया न्यूज है और हमारे सीनियर कोलीग भी हैं और जाने माने तजियाकार भी हैं। सर, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आज चूंकि सानिया मॉडल टाउन की लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो जीआईटी की टीम है, जो जीआईटी तीसरी मरतबा बनी है, उसकी टीम कोट लखपत जेल गई और नवाज शरीफ साहब जो कि तीन मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं और जब ये सानिया पेश आया था तब भी वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनसे पूछगछ की गई। अब मामला कुछ इस तरह से है कि क्या सूबे से निकलकर, क्योंकि ये मामला सूबे का था, सूबा पंजाब का था, और विफाक से पूछगछ क्या इस मामले पर बनती है? देखें, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से पहले रोज से मेरी एक राय ये है कि इस सानिया को दबाया नहीं जा सकता, इसके जिम्मेदारान बिलाखर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तीन दफा इस पर जीआईटी बनी, इस पर बाकायदा जुडिशल कमीशन का क्याम अमल में आया, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि जो असल जिम्मेदारान हैं उन तक ये ना तहकीकात पहुँच सकी है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और ना वो अंजाम को पहुँच सके हैं। जहाँ तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या मरकजी बाज़ वज़रा को शामिल तफ्तीश करने की बात है, तो ये पंजाब के अंदर एक रवायत रही है कि जब भी किसी गाँव में कोई कत्ल होता है तो जो मकतूल पार्टी होती है वो एक कातल और उसके अजीज़ों अकारब को बीच में शामिल कर लेती है ताकि वो उन पर प्रेशराइज ना हो सकें। मैं समझता हूँ कि यही माइंड सेट बुरेकार लाया गया है कि बराह रास्त जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी, बराह रास्त लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन उसमें फरीद थी और इसमें इस सूरत हाल को गंभीर बनाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि आज तक सानिया मॉडल टाउन की तहकीकाती अमल पाए तकमील को नहीं पहुंचा और उनके असल मुलजमान तक जो तहकीकाती अमल नहीं पहुंच सका। और मैं नहीं समझता कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट को किसी तरह मुलव्वज़ करना जायज़ है, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार थी, पंजाब हुकूमत को ही जवाबदेह होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि फेडरल, उस वक्त की फेडरल हुकूमत में जितने भी रहनुमा थे उनको इन्वॉल्व करना आउटकम नहीं आ पाएगा इस साने के हवाले से। सर, जो हमने जो जीआईटी ने सात सियासतदानों से पूछगछ की है उसमें बेशतर जो विफाकी सियासतदान है साबित वो हैं, जैसे कि आबिद शेर अली, जैसा कि उस वक्त के वजीर दाखिला वजीर खारजा चौधरी निसार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, जैसा कि परवेज रशीद साहब और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब का भी इसमें इन पूछगछ में नाम है। तो क्या सूबे में रहते हुए हमारा ये जो सानिया सूबे में हुआ इसके ऊपर हम जब नहीं ले रहे हैं सूबे के रिप्रेजेंटेटिव को उस वक्त के, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि साढ़े चार साल से जो लाहिकीन अभी वेट कर रहे हैं उनको मजीद कितना वेट करना? बदिया, एक तो आपको शायद इल्म नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इसमें शामिल तफ्तीश हुए हैं, उनसे पूछगछ हुई है, बराह रास्त जिम्मेदार वो हैं, उन्हें बताना चाहिए कि इसका ऑर्डर किसने दिया था, इस पे अमल दरामद किसने किया था, जो टारगेट किलिंग हुई है उसके जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूँ कि इसे ऊपर ले जाने की बजाय अगर वाकईतन जो मुदई जो हैं वो संजीदा हैं तहकीकाती अमल में, चूंकि माजी में इस पे सियासत हुई है, लेकिन ये सियासत जो करने वाले थे कौन थे, क्या मकासद थे, असल बात वही है कि जो सानिया मॉडल टाउन के असल मुलजम हैं उन तक पहुंचना है तो फिर तहकीकाती अमल को मौसर बनाना होगा ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाकया ना हो सके, लिहाजा इस तफ्तीश को मौसर होना चाहिए और नतीजा खेज होना। अच्छा, सलमान गनी साहब, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक और सानिया देखा है, सानिया साहिवाल, अच्छा वहाँ पे भी जो थे पुलिस एहलकार और पुलिसिंग डिपार्टमेंट जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उसका भी हमें कोई खातिर खा रिजल्ट नजर नहीं आया, या फिर जो जीआईटी थी उसके जो शफाफ तरीके से लोगों के सामने जितनी रिपोर्ट थी या उसका आउटकम था उस तरह से नहीं रखा गया, तो आप क्या कहेंगे जिस साने में या इस किस्म के जिस वाकये में पुलिस डिपार्टमेंट या लॉ एनफोर्समेंट के डिपार्टमेंट मुलविस हो जाए तो उसका क्या बनता है मुस्तकबिल? देखें, हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े सानेहात हुए हैं उसके जो शवाहद हैं वो मिटा दिए जाते हैं। आपने दुरुस्त कहा कि अभी सानिया साहिवाल हुआ है और उसके मुलजमान तक भी नहीं पहुंचा गया, उस पर भी एक जीआईटी बनी,
मुझे नहीं याद कि उस जेआईटी की क्या रिपोर्ट आई, क्योंकि उस हवाले से भी अभी कन्फ्यूजन कायम है। सानिया मॉडल टाउन पे अगर वाकईतन तहकीकाती अमल मौसर होता और जो जुम्मादरान है उन्हें सजा होती, तो फिर किसी को जरूरत नहीं होनी थी कि आप नहत्ते शहरियों पे फायरिंग करके उन्हें आप इस तरह जांबाग कर दें। ऐसे में मीडिया का किरदार, जैसे कि सानिया साहिवाल उसके बीच में आ गया पाक भारत, जो कि हमने देखा जंग का समा रहा, तो सारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, मीडिया की भी सुर्खियां तब्दील हो गई, मीडिया जो है वो सानिया साहिवाल को उस तरह से नहीं ले पाया क्योंकि बड़ी खबरें कुछ और थी। तो मीडिया में इसमें क्या किरदार अदा, क्योंकि साढ़े चार साल से मीडिया सानिया साहिवाल के हवाले से, तो अब लेकिन पहले सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है। समझ गया हूं, देखिए बात ये कि मीडिया ने सानिया मॉडल टाउन को जिंदा रखने में भी मीडिया का किरदार है, और खास तौर पे सानिया साहिवाल उसके असल मुल्जमान तक रसाई में मीडिया ने एक बड़ा पॉजिटिव और मौसर रोल अदा किया है। मीडिया ने इसे बड़ा इशू बनाया, लेकिन ये भी हमारा एक बड़ा सियासी और सहाफती अलमिया है कि एक नया इशू सामने आने के बाद पिछले इशू से सरफे नज़र बढ़ता जाता है, जिससे जो असल सानिया के जुम्मादारान है वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता। तो ऐसे में मीडिया की अहमियत का भी अंदाज़ा बखूबी लोग जान लेते हैं। सलमान खान साहब, अब क्योंकि एक लाइन मैंने पहले भी बोली पहले सेगमेंट में कि शेर आया से लेकर तब्दीली आई रे तक, जो सानिया मॉडल टाउन है उसने दो फेज देख लिए हैं, एक पुरानी गुज़श्ता हुकूमत का और एक नई हुकूमत का। ये जो हुकूमत है ये तो इनकी सियासी कजन है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक को कहा जाता था कि सियासी कजन है, धरने के हवाले से भी हम लोगों ने ये देखा। तो हुकूमत तब्दील होने से जो सानिया मॉडल टाउन है, इस केस को क्या तकवीत मिल सकती है, क्या फायदा मिल सकता है? देखिए बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है, बड़ा संजीदा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आप जवाब सुने कि हमेशा सियासतदान फंस जाते हैं और जो लोग सानिहात के जुम्मादारान होते हैं वो बच जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मौसर गवर्नेंस का सिस्टम होना चाहिए और कोई गैर कानूनी अहकामात ना कबूल करने चाहिए ना उन पर अमल पैरा होना चाहिए। आपने तो सानिया मॉडल टाउन की बात की है और उसके बाद सानिया साहिवाल की बात की है। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े, देखिए हमारी लीडरशिप, लियाकत अली खान को गोली लगी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हुआ, तो आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और बेनज़ीर साहिबा के जो मुल्ज़िम हैं वो आज तक के बेनकाब नहीं हो सके? मैं समझता हूँ कि हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान के जुम्मेदार अदारे हैं उन्हें कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि सियासतदानों के या हुकूमतों के कहने पर उनके सियासी मकासद की तरवीज के लिए काम करना चाहिए। ये लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब हम इस तरह के सानियात से बच सकते हैं। जैसे कि सलमान साहब आपने कहा है, इसी से हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपने लियाकत अली खान साहब की जिक्र कर दिया, आपने बेनज़ीर भुट्टो साहब का जिक्र, साहिबा का जिक्र कर दिया, इसके अलावा कराची में मुतअद्दिद इनकाउंटर्स हमने देखे, हमने डॉलर गर्ल को देखा, हमने आयान अली को देखा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि सालों साल से अभी तक पेंडिंग है। ये वो केसेस हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, वो केसेस जो लो प्रोफाइल होते हैं, जो गांव में रहने वाला अलादिता कत्ल हो जाता है, उससे फिर कैसे इंसाफ की तवक्को हो सकती है? बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो कानून के नफाज के जुम्मेदार अदारे हैं उन्हें कानून की जो लाइंस हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि किसी के सियासी मकासद की तरवीज के लिए काम करना चाहिए। आपने कराची के अंदर टारगेट किलिंग का जिक्र किया, इसके साथ ही आप देहातों में आ गई। मैं समझता हूं कि पुलिस के अंदर इस्लाहात जो है वक्त की बेहतरीन ज़रूरत है, और साबिक चीफ जस्टिस साहब ने इस ज़िमन में एक कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई थी, और तो ये जाहिर की जा रही थी कि शायद नई हुकूमत आने से पाकिस्तान के अंदर पुलिस का सिस्टम फाल हो, लेकिन ये भी 6-7 माह के अंदर जो पंजाब के 2-3 IGs तब्दील हुए हैं वो जो एक उम्मीद और तवक्को थी वो भी खत्म होती नजर आ रही है। फिर मंशूर में शामिल था, ये मंशूर में शामिल जो जमात ऐसी बात को कर लेती, मंशूर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एक से होते हैं, और इमरान खान साहब से जो तवक्कात थी, मैं समझता हूँ कि लोग ये समझते थे कि इनके आने से गवर्नेंस बेहतर होगी, मौसर इत्साब होगा, और ख़ास तौर पे उन्होंने दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया था। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से गेंद उनकी कोर्ट में है और वक्त गुजर रहा है, और अगर तीसरी पार्टी जिसे पाकिस्तान के लोगों ने अपनी तायद और हमायत दी है, अगर वो भी अवामी सतह पे एक्सपोज होती हैं या नाकाम होती हैं, तो ये एक बड़ा सियासी अलमिया होगा। सलमान साहब, मैं उस बच्ची से भी मिलकर आई हूँ जिसके पाँव में सानिया मॉडल टाउन वाले दिन गोली लगी थी, मैं बेशतर जख्मियों के इंटरव्यू करके आई हूँ। ऐसे लोग जो कि अपने ऊपर गोलियाँ चलाने वालों को खुलेआम खुला फिरता देख रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें एक मसीहा का इंतजार, वो मसीहा पाकिस्तान को फिर कब मिलेगा? मदिया, मैं वो शख्स हूँ जिसने उस रात मॉडल टाउन गुजारी थी,
मैं वहाँ पर तमाम पुलिस और जो शहरी थे उनके दरमियान झड़पें होती देखता रहा, और उसके बाद मैं मुसलसल ये कह रहा था कि जो गंभीर सूरत हाल तारी कर दी गई उसमें तो लगता था कि असल मुल्जम तो वो हैं जो बेचारे दुनिया से चले गए। कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं समझता हूँ कि कायद आजम और इकबाल के पाकिस्तान की तकमील नहीं हो सकती। आखिर में नून लीग की सियासत को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक ही सानिया ऐसा होता है जो कि पूरी सियासी जमात को ले डूबता है, कोई फर्क पड़ेगा? देखें बात ये कि जो भी सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारान हैं उन तक तहकीकाती अमल जाना चाहिए। सियासी जमातों या लीडरशिप पे इस तरह के मुकदमात कायम करने से कोई सियासत पे फर्क नहीं पड़ता। क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाकर जुल्फकार अली भुट्टो का नाम खत्म कर दिया गया? क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम खत्म हो गया? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर वाकईतन आपने मकासद पाकिस्तान की तकमील करनी है तो फिर आइन और कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी, और जो भी जुराइम पेशा और कातिल हैं उन्हें इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फांसी पे लटकाना। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। नाज़रीन सलमान गनी साहब से हमने बहुत सारे अहम नकात ऐसे हैं जो डिस्कस किए हैं, और बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर धुंध छाई हुई थी और वो धुंध थोड़ी हटाने की हमने कोशिश की है। जो JIT है उसकी रिपोर्ट जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 मार्च थी जो गुजर गई है, जिसको एक्सटेंशन मिली, और नई तारीख 31 मार्च है। 31 मार्च को जो JIT रिपोर्ट जमा करवाएगी उसका आउटकम क्या निकलेगा इसका हमें इंतजार रहेगा, 31 मार्च को ही मालूम पड़ सकेगा। बहरहाल टॉप स्टोरी से मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।